मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। उन्होंने शनिवार को प्रदेश की सभी लाडली बहनों को हर महीने मिलने वाली 1250 राशि के अतिरिक्त 250 रुपए रक्षाबंधन पर्व के शगुन के रूप में उनके बैंक खातों में भेज दिए। रक्षाबंधन कार्यक्रम और सावन उत्सव का ये कार्यक्रम प्रदेश में 25,000 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो स्वयं आज श्योपुर में आयोजित स्वयं सहायता समूह सम्मेलन और बहनों के साथ रक्षाबंधन पर्व कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं। इस अवसर पर सिंगल क्लिक से सभी लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। रक्षाबंधन का पावन पर्व हम सबके लिए आनंददायी होता, खासकर बहनों और भाइयों का ये त्योहार हमारी संस्कृति की पताका को लहराता है। मुझे आज प्रसन्नता है, एक साथ 25,000 से ज़्यादा स्थानों पर सिंगल क्लिक के माध्यम से बहनों के लिए 250 रुपये की राशि रक्षाबंधन के अनुपम त्यौहार के लिए भेज रहा हूँ। मैं स्वयं श्योपुर जिले से विजयपुर नामक स्थान पर मैं शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से बहनों को बहुत बहुत बधाई, उनका प्रेम इसने सदैव मिलता रहे। 1250 पूर्व के और 250 ये मिला के 1500 रुपया प्रत्येक बहन के खाते में आज मिलेगा। और आप सबके माध्यम से उम्मीद करता हूँ 19 तारीख को जब आप बहनें अपने भाई को तिलक लगाएगी तो समझूंगा मुझे तिलक लग जाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई।